हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या मिक्स कंटेंट चैनल आपका मोनेटाइज होगा या नहीं। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाए हो और वीडियो अपलोड करते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर मैं आपका ब्लॉग के भी वीडियो हैं और कोई अलग अलग कंटेंट के वीडियो बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा चैनल ये मोनेटाइज होगा या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके पूरे डाउट पूरे हो जाएंगे, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा लाइव प्रूफ दिखाया है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं हो सकता। तो इसको पूरा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल होते हैं तो अपने चैनल में मिक्स कंटेंट डाल देते हैं। कभी कोई ब्लॉग का हो जाता है, कभी कोई प्रोडक्ट का होता है, कोई मोबाइल का होता है। ऐसे बहुत सारे चैनल वाले अब मिक्स कंटेंट बना देते हैं, तो ये बाद में सोचते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, क्या हमारा यूट्यूब मोनेटाइज के लिए ऑन करेगा या रिजेक्ट कर देगा। तो इसका प्रूफ आज मैं दिखाने वाला हूँ, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया हूँ अपने चैनल का, और यहाँ पे मैंने अपना प्लेलिस्ट को ही ओपन कर लिया है कि ताकि आपको मैं प्रूफ दिखा सकूँ कि मैं कैसे कैसे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हो, ये मेरा प्लेलिस्ट है। अब प्लेलिस्ट में देखो, मेरा पहला वीडियो ये प्लेलिस्ट है, छत्तीसगढ़ वीडियोज़। मैंने इसमें ब्लॉगिंग के वीडियो डाल के रखा है, जो ब्लॉग के जो वीडियो होते हैं ना, ये सब मैंने इसमें ब्लॉग के वीडियो डाल दिया है मेरा चैनल में। अब यहाँ पे मैंने देखो, दूसरा एक सुगनसन चैती एक शॉप के बारे में मैंने इसमें कंटेंट बनाया है। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे मिक्स कंटेंट बनाए हैं। मैंने यहाँ पे यूट्यूब के बारे में भी जानकारी दिया है, मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानकारी दिया है, और बैंकिंग के बारे में भी जानकारी दिया है, गूगल के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, बहुत सारे मिक्स कंटेंट बनाया है इसमें। पर मिक्स कंटेंट बनाया है पर मेरा ही कंटेंट, मैंने किसी का कंटेंट चुराया नहीं, ना किसी की कॉपी किया है। आप अगर बनाए हैं तो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, ना कि किसी का कॉपी करके या डाउनलोड करके डालना है। आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, मिक्स कंटेंट है कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरा चैनल पूरे सारे वीडियो कंटेंट मिक्स कंटेंट है। मैंने यहाँ पे भगवान के भी वीडियो कुछ डाले हैं, जो मैंने कोई दुर्गा उर्गा दुर्गा माता के होते हैं या बाहर के भी नवरात्रि के होते हैं, ये सब वीडियो मैंने सब डाल दिया, पर मेरा खुद का कंटेंट है। मैंने किसी का डाउनलोड करके इसमें अपलोड नहीं किया है, मैंने खुद स्वयं इसको क्रिएट किया अपने मोबाइल से और इनको अपलोड किया, और इसमें मैंने अपना खुद का कंटेंट किया, तो इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आईने मैंने देखो सब मैंने अपना मिक्स कंटेंट है, मेरा तो शुरू से मिक्स कंटेंट हो गया था। तो आप मैंने चाहता कि आप मिक्स कंटेंट बनाएं, आपका खुद ना आप एक टॉपिक में काम करें, फिर भी मेरा चैनल देखो यहाँ से दिखा देता हूँ, ये मोनेटाइज हो गया है, मेरा चैनल मोनेटाइज है। और यहाँ पे मैं आपको देखो डॉलर का निशान दिखा देता हूँ, ये देखो मेरे चैनल का पूरे डॉलर का निशान है। ये मेरा मिक्स कंटेंट चैनल है, फिर भी मेरा मोनेटाइज हो गया है। पर ये मत सोचिए कि आप भी मिक्स कंटेंट बनाना है, नहीं बनाना है, आपको एक टॉपिक में ही काम करना है या दो टॉपिक में काम करना है, आपको मिक्स कंटेंट नहीं बनाना है। क्योंकि मेरा शुरू से मिक्स हो गया है, तो इसलिए मैं सारे वीडियो डिलीट नहीं कर सकता, पर आपको एक कंटेंट में काम करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको ऑडियंस आपकी मजबूत रहेगी, आपको ऑडियंस एक ही टॉपिक के रहेंगे। आपको अगर मिक्स कंटेंट बनाएंगे, कभी ऑडियंस आएगी, कभी ऑडियंस जाएगी, ऐसा रहेगा। पर आप मिक्स कंटेंट ना बनाएं, आप एक कंटेंट बनाएं, दो कंटेंट बनाएं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी आपकी इच्छा है, आप मिक्स कंटेंट भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया है और मेरा चैनल मिक्स कंटेंट है। मैं भी सोचता था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया या नहीं, पर यूट्यूब ने मेरा चैनल मोनेटाइज कर दिया है। आपके सामने लाइव प्रूफ मैं देखो आपको दिखा रहा हूँ। पर मेरा यही सजेस्ट रहेगा कि आप कोई भी जानकारी दें, अच्छी जानकारी दें, गलत जानकारी नहीं देंगे, और सही जानकारी दें। आप वीडियो अपनी ईमानदारी से बनाएं, आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। किसी को कॉपी नहीं करें, किसी का वीडियो ना डाउनलोड करें, कोई किसी का वीडियो यूज ना करें, आपका कोई मिस कंटेंट ना हो। थैंक यू।